फीस ना दे पाए तो आपके होनहार बच्चे की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है गोड्डा का ये स्कूल। अगर आप फीस देने में असमर्थ हैं और इसके प्रति आवाज उठाते हैं तो आपके बच्चे की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है ये स्कूल। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपको बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। प्राइम मिनिस्टर सर, डियर चीफ मिनिस्टर झारखंड सर, लिसन मी, आई एम तन्वी श्रुति, आई एम 8 इयर्स ओल्ड। राइट टू एजुकेशन इज माई फंडामेंटल राइट। बाय स्टॉपिंग मी फ्रॉम एंटरिंग द स्कूल, द प्रिंसिपल हैज ब्रोकन माई फंडामेंटल राइट। व्हाई इज ही स्टिल आउटसाइड द जेल? And all the officers who already know about this matter are equally guilty for this deed. My parents have raised a voice for the truth and I will fight as much as I can do. Please help me. कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और भगवान के रूप भी होते हैं, लेकिन व्यवसायीकरण के इस दौर में यह सिर्फ कहानी बनकर रह गई है, चाहे वह शिक्षा का मंदिर विद्यालय ही क्यों ना हो। जो बच्चे पिछले एक माह से विद्यालय के मनमानी रवैये के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहे थे, उनका आवाज दबा दिया जाता है स्कूल से नाम हटाकर। हालांकि माउंट एसएससी स्कूल पोड़ैया 8 पिछले एक माह से विवादों के घेरे में है। इसके लिए बच्चों के साथ अभिभावक भी परेशान है। मामले को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन भी दिया गया था, लेकिन शिक्षा पदाधिकारी और स्कूल प्रबंधक की मिलीभगत के कारण अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। घटना को अभिभावकों और बच्चों ने एसडीओ ऋतुराज से कार्रवाई का मांग किया है। इस संबंध में तत्काल बच्चों का नामांकन के लिए एसडीओ से आश्वासन प्राप्त हुआ है और संबंधित स्कूल प्रबंधन को नोटिस भी जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। अभिभावकों ने कहा, बच्चों को नामांकन और विद्यालय का मनमानी रवैया के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी तो विद्यालय के गेट के सामने ही आमरण अनशन करेंगे। जो है नया क्लास में बैठाना है, पहला दिन सत्र था, हम लोग खुशी खुशी बच्चे के लिए, बच्चे लोग भी बहुत खुशी खुशी गए थे, लेकिन वहाँ जब एक देखा गया कि एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें सभी क्लास का बच्चे का नाम लिखा हुआ था और एक क्लास में लगभग 60-65-70 मैंने मिनिमम 60 से और मैक्सिमम 70 बच्चे का एक क्लासरूम में नाम लिखा हुआ है। हम लोग पूरा बच्चे का नाम खोजे, हम लोग के बच्चे को, खास करके जो हम लोग 3 गार्जियन जो भाई नेम्ड जो दस्तखत करके दिए थे, उन्हीं बच्चे को चिन्हित करके उनका नाम नहीं डाला गया है, स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। तो हम लोग बच्चे को भेजे, जाओ फादर से भेंट करो। तो ये लोग गए फादर के पास, तो फादर बोले कि वेट करो, पहले बोले वेट करो, फिर जब 10-15 मिनट वेट कर लिया उसका फिर गया, क्या हुआ फादर? तो फादर बोलते हैं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, नाम नहीं है तो तुम लोग अपने गार्जियन के साथ घर चले जाओ। जबकि बच्चे आपके कहते टॉपर हैं क्लास के, जी उसके बावजूद ऐसे इस तरह का है, क्या हुआ? मतलब फीस आप लोगों ने जमा नहीं किया या हम लोगों का फी का कोई मुद्दा नहीं है? जी 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 सर, इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि फी एक मुद्दा इस बात पर है कि अगर स्कूल में पढ़ाई होती है तो उसके समतुल्य हम फी देने के लिए हर हमेशा तैयार हैं। मुद्दा इसी बात का है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं है सर, और उसकी शिकायत करने के बाद स्कूल प्रबंधन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करता है। इसी मुद्दे पर हम लोगों ने फी देना बंद किया था कि इसको जब तक सुधार में नहीं लाया जाएगा कि शिक्षण व्यवस्था स्कूल का सही हो तो हम लोग फी देंगे, और अगर शिक्षण व्यवस्था सही नहीं हो पाएगी तो हम फी नहीं देंगे। तो आपने तो शिक्षा विभाग में भी शिकायत किया, CWC के पास भी शिकायत किया, क्यों नहीं वहाँ से पूछना? जी हमको लगता है कि वो जो शिक्षा विभाग है उसके साथ विद्यालय की कोई मिलीभगत हो, वो उनके आवभगत में लगे हुए हों। SDO सर क्या आश्वासन दिए? SDO सर आश्वासन यही दिए हैं कि आपके बच्चे को कल से विद्यालय में प्रवेश मिलेगा और मैं उनको अपने यहाँ बुलाऊँगा कोर्ट नोटिस करके, और इसके बाद बातचीत करके अगर हल होता है तो हल निकाला जाएगा, सॉल्यूशन निकाला जाएगा, नहीं तो आगे की कार्रवाई होगी। आप लोग धरना की भी बात कर रहे थे, क्यों धरना? क्या बात ऐसी है कि हम लोग परेशान हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग वहां पर चाहे कि प्रिंसिपल के साथ एक बैठक कर लें तो वो बैठक नहीं हो पाया इन्हीं मुद्दों पर कि आप फीस लें लेकिन बच्चे को अच्छे टीचर से पढ़ाएं, बच्चे को वहाँ पे व्यवहार अच्छा से करें। चूँकि हम लोग स्कूल जाते हैं तो प्रिंसिपल से कभी मुलाकात का समय मांगे तो नहीं मिलता, और इसके अलावा बच्चे को और यहाँ तक कि गार्जियन को भी गाली दे के बात किया जाता है कि आप लोग गुंडा है। तो इस बात लेके हम लोग करीब 2-3 महीना से परेशान थे, तो सोल्यूशन नहीं हुआ, विधायक जी भी बीच में पड़े तो नहीं काम हो पाया, तो हम लोग अंततः
अनुमंडल पदाधिकारी से आज भेंट किए तो यहाँ से हमको आश्वासन मिला कि आपका 2-3 दिन में हम लोग बात करेंगे और निपटारा करेंगे। अभी बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति है? अभी शायद आज दिए हैं, सर बोले हैं, अभी स्कूल जाने का कल देखा। तो आप लोग के माध्यम से हम बतलाना चाहेंगे, यहाँ के प्रशासन को भी बतलाना चाहेंगे और स्कूल के प्रिंसिपल को भी बतलाना चाहेंगे, जब तक हम लोग का जो सूटेबल, क्योंकि वो बच्चा मेरा भविष्य है, उसके शिक्षा में अगर खिलवाड़ हो तो हम ये आवेदन के साथ आज हम अनुमंडल पदाधिकारी के पास आए थे कि आप हमको आदेश दीजिए वहाँ पे। हम क्या हुआ बाबू, आपको स्कूल क्यों नहीं गए यार? क्योंकि हम लोग का नाम रजिस्टर नहीं है। और फादर के पास भेंट किए? हाँ। क्या बोले फादर? बोले कि वेट करो या फिर स्कूल से बाहर चले जाओ। करो या बाहर? क्या बोले फादर? फादर बोले नाम रजिस्टर में नहीं है तो अपना पेरेंट्स के साथ घर चले जाओ। इस विषय में आपको आपका क्या कहना है? जी, मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है और हम इस स्कूल के अव्यवस्था के खिलाफ आज करीब 1 महीना से प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं, जिला प्रशासन के पास भी इनके लिए इनका जो शिकायत है लिखित आवेदन दिए हुए हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक विद्यालय समिति और अभिभावक के बीच में मीटिंग का प्रोग्राम रखे थे, जिसके लिए इन्होंने होने नहीं दिया और ये विद्यालय अपने मनमाने ढंग से चलता है, जिसके लिए हम लोग ने बार बार इनके प्रिंसिपल को इस बात का शिकायत किए, तो शिकायत करने के बाद प्रिंसिपल के द्वारा हम लोग को गुंडा मवाली बोला गया। आज स्थिति ये है कि विद्यालय में मेरे बच्चे का प्रथम क्लास था, पहला क्लास आज स्टार्ट हो रहा था, तो इन्होंने मेरे बच्चे को बाहर कर दिया और इसके बाद हम लोग अभिभावक के साथ में अंदर में दुर्व्यवहार किया, हम लोग को आज गाली गलौज भी सुनने के लिए मिला, इसके लिए इसका शिकायत जो हम लोग का मान हानि हुआ इनके ऊपर, अभी हम लोग गोड्डा जाके मान हानि का केस मुकदमा करेंगे और जब तक हम लोग का जो मांग है, जो उचित मांग है, जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम स्कूल को भेजते हैं और अपने बच्चे का भविष्य के साथ हम खिलवाड़ कभी नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमको अपना प्राण क्यों नहीं देना पड़े, इस संकल्प के साथ आज हम इस विद्यालय के समक्ष घोषणा करते हैं कि आने वाले कुछ दिन के बाद यहाँ पर हम आमरण अनशन करेंगे और इस आपके माध्यम से स्थानीय विधायक और स्थानीय एमपी को भी ये बोलना चाहेंगे कि आप इस विद्यालय को का दिशा निर्देश के लिए आप भी हम लोग का सहयोग करें, नहीं तो फिर आगे आपका भी ध्यान रखा जाएगा। जी धन्यवाद। जी, पोरेहाट के माउंट असिसी स्कूल के लिए के कुछ अभिभावक आए हैं, उनके बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है, इस वजह से उनका ग्रीवेंस आया है मेरे पास। मैंने अपने कोर्ट से नोटिस देने के लिए बोला है विद्यालय को कि वो आएंगे, अपना पार्ट भी रखेंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने रेज किए हैं, हर पॉइंट पे बिंदुवार वो जवाब देंगे और पेरेंट्स को भी उसमें बुलाया है, हम लोग चाहेंगे कि दोनों के बीच का सोल्यूशन निकाल करके हम लोग आगे बढ़ाएं। तो क्या अभी नेक्स्ट डे से बच्चे स्कूल जाएंगे या फिर उन्हें बाहर ही रखा जाए? मैंने अभी प्रिंसिपल से मैं बात करूंगा ताकि इमीडिएटली बच्चों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करें ताकि उनकी शिक्षा को कोई इफेक्ट ना हो। नहीं, ये करीबन 1 से 1.5 महीने से ये परेशानी चल रही है और शिक्षा विभाग के पास इससे पहले एप्लीकेशन गया, CWC के पास गया, लेकिन वहाँ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, फिर लोग आपके पास आए, तो वहाँ से भी कुछ होना चाहिए था आपके साथ। मेरे पास आया है, हम अपने स्तर से एक बार तुरंत बात करेंगे और प्रिंसिपल को हम यही बोलेंगे कि अभी शिक्षक बच्चों को बाहर नहीं निकालेंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई कर। क्या आप 10 से 20 हजार रुपए महीना अपने घर पर रहकर कमाना चाहते हैं? तो खोलें मिनी बैंक, अपने एरिया के लोगों को दे बैंकिंग सर्विस, सभी बैंकों का आधार कार्ड से निकासी, ATM से निकासी, सभी कंपनियों के मोबाइल, DTH, रिचार्ज, पैन कार्ड जैसे अनेकों सर्विस, CSP ID के लिए कॉल करें 7726006565 पर।